जी अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अदील चौधरी है. रानिया इज आवर फर्स्ट एक्चुअली व्यूअर जो यहाँ पर आई हैं. सो हेलो रानिया, रऊफ खान साहब आए हैं, हेलो. आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड. मैं यूजुअली इतने ज़्यादा लाइव सेशंस करता नहीं, थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा सा यू कैन से आई एम लिटिल बिट शाई, बट इस सीरियल के लिए लाइव सेशन करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज जितना प्यार आप लोगों ने दिया और इसको इतना बड़ा हिट बनाया आप लोगों ने, सो ये आपकी दुआओं और आपकी आपके प्यार के उसके बगैर मुमकिन नहीं था. सो थैंक यू सो मच, एंड आई रियली वांटेड टू स्पीक टू माय फैंस, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आज मैं लाइव भी हूँ. एंड आई थिंक बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक होना चाहिए, बिकॉज वेट, यस, ओके. All right, so we have a lot of, fans, guests, my loved ones who are here. So I would like to speak to them. So, Labiba Habib कह रही हैं शैतान क्यों भाई आपको ऐसा क्या लगा शैतान के मेरे अंदर? अरमान तो बहुत ही अच्छा इंसान था. So I don't know आपको क्यों मैं इतना शैतान लगा. अच्छा, जय जमीन कह रही भाई कैन यू प्लीज से नवाल, यस हाय नवाल. अली रजा सईद अली जी कह रहे हैं, राबी 606 कह रही है अरमान से अस्मा. एक्चुअली इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझसे पढ़ना बहुत मुझे मुश्किल हो रहा है एक्चुअली. लेट मी गेट लिटिल क्लोजर, ओके. सम गर्ल्स 098 कह रही मुनाफिक ड्रामा अरमान. अनजानी लड़की 04 कह रही हैं विल मिस यू अलॉट, आई विल मिस यू टू अनजानी. महक यासिर कह रही हैं बेस्ट एक्टिंग. जहूर 5283 कह रहे हैं हाय. जोहा अहमद कॉल माय नेम प्लीज, सो हियर यू गो. अच्छा, मैं नाम और जो आप लोगों के नाम वगैरह हैं वो तो मैं कहूँगा, जाहिर बात है जो भी आप सवाल पूछेंगे. मैं चाहता हूँ कि मैं आज अगर लाइव आया हूँ, सो मैं आई रियली वॉन्ट कि हम कुछ चिट चैट करें, कुछ बातचीत करें, कुछ आप मुझसे सवाल कीजिए इस सीरियल को लेके, क्योंकि यकीन कीजिए कि मेरे डायरेक्टर ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, तमाम आर्टिस्ट ने, सब ने बहुत ही मेहनत की है इस सीरियल को बनाने के लिए. सो यू नो आई वुड बी ग्रेटफुल टू अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछे, यू नो दैट वुड बी वंडरफुल. या आई लव दिस सॉन्ग दो. आई थिंक साहिल बग्गा ने बड़ा ज़बरदस्त इसका ओएसटी कंपोज किया. आई एम एक्चुअली इन लव विद ऑल ऑफ दिस सॉन्ग्स बिकॉज सिंस आई एम अ म्यूजिशियन माइसेल्फ, सो आई थिंक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. सो आप मुझे बताइए कि आपको ट्रांसमिशन, ये जो लाइव सेशन है, बिल्कुल ठीक आ रहा है? यू नो यू कैन ओके. हेना 98760 कह रहे हैं आज लास्ट एपिसोड में आपने मर जाना है ना. आपको किसने कहा है कि मैं मर जाऊंगा? इंसान को अपनी कभी भी जो बहुत सारी जो क्या कहते हैं आप एक राय बना लेते हैं, वो एक प्रोमो था. और मेरा नहीं ख्याल कि अरमान को मरना चाहिए, क्योंकि अरमान कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा, और अरमान इतना बुरा इंसान था नहीं कि उसको मरना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है. लेकिन ये जानने के लिए आप आज ज़रूर जो लास्ट एपिसोड जो आज शाम 7 बजे प्ले होगा आपने देखना है. मैं इसलिए आज लाइव भी आया हूँ. मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे डायरेक्टर ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, तमाम आर्टिस्ट ने इस सीरियल को बताने के लिए कितनी मेहनत की, और हम लोगों ने किन सर्कमस्टांसिस में शूट किया. एंड जब इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिले आपके सीरियल को, और जो आपने मेहनत की हो, लोग उसके बारे में बात करें, आप यकीन करें वेर एवर आई गो पीपल कॉल मी अरमान एंड दे लव माई कैरेक्टर. मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे कि वो गालियाँ क्यों पड़ी और उसकी रीज़न क्या थी. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे एक्चुअली, सो उसके ऊपर बात करेंगे. सो आज का जो एपिसोड है, मैं चाहता हूँ कि TRP के लिहाज से वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो. अभी तक 7 PM स्लॉट पे हम लोगों ने आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 19 टच किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे भी ऊपर जाए. एंड आई हैव नो वर्ड्स कि मैं आप लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है. ओके, लेट्स मूव टू वर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस. जोएल गोरी कह रहे हैं हे कौसर, माय ऑल फैमिली इज अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू कौसर. जैनब मलिक कह रही है अस्सलाम वालेकुम अदील, वालेकुम सलाम. एम अब्दुल्ला पाक कह रहे हैं आप क्यों मरे, मैं
आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं आज मर रहा हूँ या नहीं मर रहा, इसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने 5 बजे का टाइम रखा था कि 7 बजे मैं भी अपनी फैमिली के साथ बैठ कर ये सीरियल इन्जॉय कर सकूँ। एमान 9367 कह रही है प्लीज़ से माई नेम। ओके फुगी 383 आई एम रियली सॉरी अगर मैं आप में से किसी का भी नाम गलत बोलता हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। अदील जुनेद फैन कह रहे हैं मरियम कहाँ है, मरियम को क्योंकि घर से बाहर निकाल दिया तो मरियम अब कहीं होगी, शायद अपने घर पर ही होगी। और फुगी 383 कह रही मुनाफिक ड्रामा कमाल कमाल कमाल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तबस्सुम फहीरा कह रही हैं मिस यू अलॉट। आयशा सदीकी 9988 कह रही हैं बहुत अच्छा रोल किया आपने मुनाफिक में, बहुत अच्छा एटीट्यूड था सीरियस। मैं आपको ये बताऊँ, आपका नाम आयशा सदीकी, सो आयशा मैं आपको ये बताऊँ कि दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव प्लेड अ नेगेटिव रोल। इससे पहले मैंने नेगेटिव रोल कभी किया नहीं, यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल्स ही मिलते थे। एक लड़का बाहर से आया है, थोड़ा सा स्पॉइल्ड भी है, स्पॉइल्ड तो शायद उसको नहीं कह सकते लेकिन उसको इतना पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है, एंड देन यू नो ही गेट्स मैरिड एंड फिर यहाँ पे जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको समझने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस किस्म के मैं रोल्स करता हूँ और एक बहुत ही शरीफ बच्चे का, इफ़ यू मेरा इतनी हिस्ट्री की ड्रामा सीरियल्स की नहीं है, जैसे आप हिद्दत को देख लें, वो भी सेवन स्काई की प्रोडक्शन थी, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था भरोसा प्यार तेरा, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज भरोसा इज़ एक्चुअली आई थिंक के बड़ा ज़बरदस्त सीरियल था और बहुत ही अच्छा काम किया सब लोगों ने, एंड इट वॉज एक्चुअली उसने मुझे उस म्यूज़िक से मैं एक्टिंग में आया तो उसने मुझे एक्टर्स की लिस्ट में बहुत ऊपर लेके गया मुझे भरोसा प्यार तेरा। फिर मुनाफिक वॉज द सीरियल विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक बड़ा ही ज़बरदस्त सीरियल बनाया है सेवन स्काई प्रोडक्शन ने, और मेरे जो डायरेक्टर हैं सलीम खान जी, मैं फिर बार बार उसका उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो फिल्म मीडियम है और जो सीरियल है इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, एंड जितना उन लोगों ने हम तमाम कैरेक्टर्स पे काम किया। सो ये जो आपका क्वेश्चन था कि जो एटीट्यूड था मेरा, मेरे लिए ये कैरेक्टर इसलिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं आम लाइफ में इतना नेगेटिव इंसान हूँ नहीं और ना ही मैंने कभी किसी के साथ इतनी कभी ज़्यादती की है, कभी क्या मैंने कभी इतनी क्या मतलब नहीं की ज़्यादती बिकॉज आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मुझे जहाँ तक याद पड़ता मैंने शायद दिल भी ना तोड़े, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पोलिटिकल फैमिली ऑल्सो, तो वो जो सियासत के जो कुछ दाव पेच होते हैं और इंसान कैसे सोचता है दैट कि आप कैसे लोगों को मैनूवर करके चीज़ें कर सकते हैं, सो आई थिंक थोड़ा मुझे उसमें हेल्प मिली एंड बट ओवरऑल आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल आई गेट। डॉक्टर मानूर कह रही हैं यू आर सो क्यूट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अभी तक मुझे वैसे कल के एपिसोड से पहले मुझे काफ़ी जो लोग नापसंद कर रहे थे, और कल मैं जब अपने इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था तो मुझे काफ़ी कह रहे थे कि यार आज अरमान पे तरस आ गया। वैसे तरस मुझे भी आया क्योंकि इतना अरमान के साथ पूरा होना नहीं चाहिए था, लेकिन लेट्स सी अभी लास्ट एपिसोड बाकी है, शायद हो सकता है कि वो मेरी माँ की कोई ड्रीम हो, कुछ भी हो सकता है, सॉरी आई डिडंट से एनीथिंग, सो इट कुड बी एनीथिंग। देन आयश मलिक कह रही है बेस्ट एक्टिंग, मोमिन अर्शी कह रहे हैं जब उजाला पर गुस्सा करते तो बहुत गुस्सा आता मुझे। वाकई उजाला बहुत अच्छी लड़की है, इन रियल लाइफ तो फातिमा अफंदी बहुत ही अच्छी है, और कैरेक्टर की बात की जाए उजाला तो उजाला कैरेक्टर एक्चुअली थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी थी अगर आपने देखा हो, आई डोंट नो इफ आई वाज एबल टू डिलीवर इट और नो, लेकिन मुझे गुस्सा उजाला पर इसलिए आता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी मेरे दोस्त के साथ बातें क्यों करती हैं एंड ऑल दैट, तो समवेयर जो मर्द होता है उसके अंदर जो ये जेलसी वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद मैंने उस चीज़ के इमोशन को प्ले किया कि ये मेरे दोस्त के साथ कैसे उसके घर में जाके रह रही है चाहे मैंने उसको बाहर भी निकाला था, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा आता था। सानिया शेख कह रही हैं हार्ट दे रही हैं। सुमैया ताहिर अस्सलाम वालेकुम प्लीज़। खतीजा मकबूल कह रही हैं प्लीज़ से सेव मी, आई डोंट नो व्हाट हैव यू रिटन। अलशिफा खान 54 कह रही हैं प्लीज़ टेक माई नेम अलशिफा। आयशा एजाज कह रही हैं आई रियली मिस यू, आयशा आई मिस यू टू यार।
अच्छा, मुस्कान करीम कह रही हैं आर यू आगा खानी, बड़ा आप, मैं आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, मेरे लिए सब लोग इक्वल हैं, बट आई एम अ मुस्लिम। एंड हसन अलीमा कह रही हैं आपका बेस्ट सीन कौन सा है इस ड्रामे में? आई थिंक मेरा जो बेस्ट सीन है वो कल जो सेकंड लास्ट एपिसोड में प्ले हुआ है, एक तो वो मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है, और दूसरा क्या कहते हैं जो लास्ट एपिसोड जो आज चलेगा उसमें मेरे जो मुझे लगता है कि द सीन्स विच आर लाइक रियली क्लोजर टू माई हार्ट, यू नो दोज आर द सीन्स यू नो विच आई रियली लाइक। हसन अलीमा कह रही हैं अच्छा, अहमद कैर ने थम्स अप किया, मरियम महमूद कह रही हैं 909 हाउ आर यू, आई एम गुड जी, दाऊद मलिक कह रहे हैं प्लीज़ डाइंग, आई डोंट गेट इट, क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? अच्छा, फरहान बड़ाइज कह रहे हैं योर आइज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट डायलॉग ऑफ मुनाफिक, मेरा एक्चुअली ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन बेस्ट डायलॉग ऑफ मुनाफिक क्या हो सकता है? एक्चुअली कल वाले एपिसोड में तो सिर्फ वही था जब मैं कह रहा होता हूँ कि प्लीज़ पानी देते हैं। सो बट देर आर लॉट ऑफ एक्चुअली गुड डायलॉग्स। मैं इसमें राइटर जो हुमा नफीस हैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि हुमा जी ने मैंने उनका ये पहला सीरियल किया है, और आई एम एक्चुअली अमेज्ड। हुमा नफीस जो है वो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगती है, सो मुझे वो जो स्क्रीन प्ले है वो पढ़कर बहुत अच्छा लगता था। सो आई थिंक राइटर की अगर तारीफ ना की जाए तो थोड़ा ये ज़्यादती होगी, बिकॉज राइटर अच्छा नहीं लिखेंगे तो एक्टर्स परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा ना लिखा होता तो मैं शायद उसको उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकता। आयत 70 कह रही हैं कि आप बहुत रूट थे उजाला के साथ। हाँ, अरमान रूट तो था, मैं नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया कि अरमान क्यों रूट था, वो थोड़ा हर्ट था। सनिया खान कह रही हैं, अदील दुआ आज़म कह रहे हैं हे अदील, तूबा सलीम कह रही हैं हमजा और उजाला की शादी हो जाएगी क्या आज? मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं तो इस वक्त अबडक्टेड हूँ, अपने जो मेरे अखवाकार हैं उन्होंने मुझे अबडक्ट किया, तो मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उजाला और हमजा क्या करेंगे। उजाला प्लीज़ डोंट डू दैट इफ़ यू डूइंग दैट, बिकॉज यू आर माई फर्स्ट लव एंड यू आर माई फर्स्ट वाइफ, सो यू कांट डू दैट एंड यू मदर ऑफ माई किड। अच्छा, शमीरा, एक्चुअली आप लोगों के नाम इतने ज़बरदस्त हैं और स्पेलिंग्स इतने ज़बरदस्त हैं कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा। वो कह रही है लव यू, आई लव यू टू, अमेजिंग एक्टिंग ऑल द वे। हारिस जावेद कह रहे हैं प्लीज़ कॉल माई नेम, हारिस जावेद ये लें आपका नाम। मोहम्मद मेहरान कह रहे हैं आई लव मुनाफिक। ईशा लोन कह रही हैं हेलो हेलो, मुनाफिक इज़ द बेस्ट ड्रामा आई हैव एवर। एक्चुअली इतने सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अभी ऊपर वाले पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनके मैसेजेस पढ़े जाएं। आप मुझसे सवाल कीजिए, शायद आप लोगों ने नीचे किए भी हों, द मोमेंट विल गेट देयर एंड यू नो आई विल आंसर मोर ऑफ योर क्वेश्चंस। अरमान उजाला के साथ आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, इस ड्रामे का एक बनाने का मकसद एक और भी था, लेट मी हैव सम वाटर। इस ड्रामे को बनाने का मकसद एक और भी था कि हमारी सोसाइटी में जो मुनाफ़िकत है और जो जिस हम लोगों को डिसीव करते हैं, जिस हम लोगों को धोखा देते हैं, उसके बारे में भी है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ झूठ के वादे, कुरान पर झूठी कस्में, मैंने बहुत देखा है थाने कचहरियों में कि लोग झूठे कुरान उठा लेते हैं। शायद उससे बड़ा गुनाह कोई और हो नहीं सकता कि अगर आप खुदा की झूठी कसम या आप कुरान झूठा उठा लें। सो ये थोड़ा उस सोसाइटी को भी बताने की ज़रूरत थी कि खुदा का जो कहर है, जो अजाब है, वो आप पर ज़रूर आता है अगर आप इस तरह की कुछ हरकत करें, और आपको आप जो इस दुनिया में नाइंसाफियाँ और गलत करेंगे उसका सिला आपको इस दुनिया में ही मिलेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। उप्स, आपकी आवाज़ कम आ रही है, स्लो करे ओएसटी। ओके 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 ओके
ओके मानूर मुनीर कह रही हैं नेक्स्ट ड्रामा जी मैं कह रहा हूँ वो भी सेवन स्काई प्रोडक्शन का है जिसका नाम है उड़ान स्टारिंग मी एंड किंसा हाशमी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं बड़ा मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके और उसमें मेरे साथ एजाज असलम हैं मेरे साथ निदा मुमताज़ हैं देन उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं शायद सो दैट वुड बी उसमें आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट रोल देखेंगे अरमान का अदील चौधरी का सो आई होप उस ड्रामे को भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे जितना आप लोगों ने इस ड्रामे को दिया अच्छा रिमशा 456 कह रही हैं से रिमशा अच्छा ठीक है जी कह दिया तूबा नसीम वाले कह रहे हैं आई एम योर बिगेस्ट फैन अच्छा मेहरीन जाफरी पूछ रही हैं आपको आज के एपिसोड में मरना नहीं चाहिए एग्जैक्टली मरने का दिल तो किसी इंसान का नहीं करता एंड मेरे जैसा इंसान हु लव्स लाइफ हु लव्स पीपल आई डोंट वांट टू डाई सो सून बट मैंने बताया कि मुझे भी नहीं पता कि मैं आज के एपिसोड में मर जाऊंगा या नहीं मैं भी आप लोगों के साथ ही देखूंगा सो लेट्स सी लेट्स प्रे फॉर माय लाइफ आई होप कि अरमान जिंदा रहे और जिए बिकॉज अपनी माँ का इकलौता बेटा है वो उसको अपनी फैमिली को लेके चलना है और इस पूरे एपिसोड से जो उसकी लाइफ में ये जो चीज़ें हुई हैं उससे उसको कुछ सबक मिले कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादतियाँ नहीं करनी चाहिए और लोगों के साथ इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अरमान उजाला से जाकर माफ़ी मांगे और उसको वापस आने के लिए कहे अच्छा मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं और मैं अभी तक ऊपर ही हूँ सो फातिमा अफंदी खावर कह रही हैं क्या आप मुनाफिक हैं फातिमा मैं बिल्कुल भी मुनाफिक नहीं हूँ फातिमा के बारे में मैं कहूँ फातिमा बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं इट्स माई फर्स्ट टाइम दैट आई वर्क विद हर एंड इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर बहुत मज़ा आया और मैं उस दिन फातिमा की बात सुन रहा था फातिमा कह रही थी कि हमें यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना हिट होगा लेकिन मैं फातिमा को तब भी कहता था कि फातिमा ये आपके कैरियर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा एंड फातिमा सी आई एम ब्राइट फातिमा मरियम वगैरह को बहुत एक्चुअली गुस्सा आता है जब मैं इस तरह का बहुत कॉन्फिडेंट होकर कमेंट्स देता हूँ तो ये फिर बहुत गुस्से में आते हैं तो ज़रा थोड़ा मैं इनको वो भी खुद भी कह रहा हूँ फैन क्रिएशन कह रही हैं आपका फेवरेट डायलॉग अरमान के बहुत फेवरेट डायलॉग है फेवरेट तो नहीं कह सकते लेकिन वो जो डायलॉग था कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उजाला का सारी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा वो मुझे बड़ा फील के साथ मैंने कहा था लेकिन फिर उसने वो किया नहीं इसलिए उसको सजा मिली उमैया कह रही बस प्लीज़ उजाला और हमज़ा की शादी होनी चाहिए लास्ट पर प्लीज़ भाई क्या हो गया अगर मैं मर गया तो आप चाहते हैं कि हमज़ा और उजाला की शादी हो जाए कैसी बातें कर रहे हैं आप फिर उजाला को मेरे लिए दुआ करनी चाहिए और मेरे बच्चे को पालना और बढ़ाना चाहिए क्यों उजाला अच्छा मैं बिस्मा हाफिज कह रहे मैसेजेस का रिप्लाई करें दे यू गो भाई दोबारा खारियाँ कब आ रहे हैं मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगा खारियाँ आई कम बैक इन अ वीक्स टाइम बिकॉज खारियाँ इज़ एक्चुअली माई होम टाउन दैट्स वेयर आई बिलोंग फ्रॉम एंड आई लव गोइंग देयर एंड आई लव मीटिंग माई फैमिली माई नेफ्यूज यू नो आहदीन ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का पूछा तो मैंने बता दिया उड़ान अच्छा आशिबा वसीम कह रही हैं आपका भरोसा प्यार तेरा ड्रामा बहुत अच्छा था जी मैंने जैसे बताया कि मेरा एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट्स है भरोसा प्यार तेरा अली अकबर ने बहुत ही ज़बरदस्त उसमें डायरेक्शन दी सो आई रियली लाइक दैट सीरियल रीबा 86 कह रहे हैं अपना कोई डायलॉग सुना दें यार आप मुझे बताते मैं पूरा स्क्रिप्ट याद करके आता और मैं आपको डायलॉग सुनाता लेकिन अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है मैं डायलॉग से बेहतर आपको एक चीज़ सुनाऊंगा सुंदस उस्मान कह रही हैं आप मैरिड हैं नहीं सुंदस मैं अभी तक मैरिड नहीं हूं लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं देख रहा हूं आज का रिश्ता अच्छा मरियम कह रही हैं योर एक्टिंग थैंक यू रेड चेरी कह रहे हैं अदील भाई रेड भाई अच्छा जना जन्नत प्रेम कह रही हैं से माई नेम फ्रॉम लाहौर लव यू फातिमा अच्छा मैं अब क्या करूँगा कि मैं स्क्रॉल करूँगा थोड़े से मैसेजेस ऊपर नीचे ताकि रैंडमली मैं चूज़ करता हूँ बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं हर एक का जवाब नहीं देख सकूँगा लेकिन रैंडमली मैंने जिसका भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन
मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि ये जिस तरह के चीज़ें हैं कुछ कि से माई नेम एंड ऑल दैट, वो तो आप अगर मुझे मैसेज कर दें, लिस्ट भेज दें, तो मैं सबके नाम एक ही दफ़ा मैं बोल दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं लाइव आया हूं, बिकॉज इतना ज़्यादा लाइव सेशंस करता नहीं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ आपसे बातचीत हो, कुछ आप लोगों से जाना जाए कि आप लोग क्या करते हैं। अदील चौधरी फ़ैन गर्ल ने कहा है, अदील लव, सबसे पहले मेरे जितने फ़ैन पेजेस हैं, थैंक यू सो मच, जिसमें फ़ैन गर्ल है, अदील चौधरी फ़ैन गर्ल है, एक उसामा है, जो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस और वो चीज़ें बनाते रहते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं और आपकी दुआएं हैं और आपकी मेहनत है, तो आज मैं यहाँ पर हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे मुझे वो पिक्चर्स बनाकर भेजते हैं। बिकॉज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं तो इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हूँ। मैंने शायद इंस्टाग्राम बनाया कुछ दिनों पहले, और मुझे ये चीज़ें इतनी यूज़ करने नहीं आती, बिकॉज़ मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक सा इंसान। लेकिन ये लोग चीज़ें बनाते हैं, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी करता रहता हूँ। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सो आई एम रियली सॉरी। लेकिन स्पेशली जो मेरे फ़ैन पेजेस हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, जन्नत जाना मलिक कह रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामे में, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे भी लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा। अशफाक मकीन कह रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सीन में मज़ा आया? मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे सीन्स मरियम उजाला मरीना खान जी के साथ थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे सीन्स करके। सबने खैर बड़ा अच्छा काम किया, बाकी मेल एक्टर्स भी हैं, आई थिंक सबके साथ ही मज़ा आया। नूर खान .90 कह रही हैं, हेलो हेलो। अच्छा जी, फातिक राजपूत कह रहे ने हार्ट बना के, काफ़ी डेज बाद अच्छा ड्रामा देखने को मिला जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल अगर आप सेवन स्काई के ना सिर्फ क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन अगर आप सेवन स्काई के बाकी सीरियल्स भी देखें तो बहुत अच्छे बना रहे हैं। आई थिंक जो सेवन स्काई के जो मेन सक्सेस का रीज़न है, तो वो उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं अब्दुल्ला साहब और असद साहब, जो इतनी मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड दे एक्चुअली एक्ट लाइक प्रोड्यूसर्स, यू नो, दे गिव अ फ्री हैंड टू देयर डायरेक्टर, दे गिव अ फ्री हैंड टू देयर एक्टर्स। कभी आपको सेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, को जो चीज़ आप डिमांड करेंगे आपको मिलेगी। सेकेंडली, जो सेवन स्काई का मेन जो बोन जो बैकबोन है, वो उनका कॉन्टेंट है, जो उनके कॉन्टेंट देखते हैं, जैसे कि मैरी जी हैं, कॉन्टेंट जो चूज़ वो लोग करते हैं, आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो इतना ज़बरदस्त चाह रहा है। मैमूना अद्रीज कह रही हैं, हुज़ बेस्ट इन ड्रामा, यू और बिलाल? डेफिनेटली जी, बिलाल ही होंगे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, तूबा नसीम मलिक कह रही हैं, आई लव यू स्टाइल, थैंक यू। वकार साहब कह रहे हैं, योर एक्टिंग इज़ वेरी गुड। इनोसेंट सार कह रही हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड लास्ट एपिसोड। जी, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज होने क्या वाला है। इज़ अरमान गोइंग टू लिव, और अरमान इज गोइंग टू, मतलब अल्लाह ही हाफिज़ अब। माहीन अहमद खान कह रहे हैं, अदील आप बहुत 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 ज़बरदस्त एक्टर हैं। थैंक यू माहीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी एक्टिंग को इतना पसंद किया। नीलम बुखारी कह रही हैं, प्लीज़ कॉल माय नेम। नीलम, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछती तो और ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इतना ज़्यादा, मैं अभी मुझे पता चला कि मैंने कीबोर्ड को भी ख़त्म करना था, और ज़्यादा सवाल आ गए। अच्छा, बलोच ऑस्ट्रेलिया से, लव फ्रॉम असद फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी इज़ वन प्लेस वेयर आई रियली वांट टू कम, आई लव टू ट्रैवल अलॉट। मैं बहुत दुनिया में बहुत जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, अल्लाह हैज़ बीन काइंड कि मैं गया हूँ, प्लस माई चाइल्डहुड वॉज ऑल्सो इन टोरंटो, यू नो, आई लिव देयर। सो सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ वन प्लेस वेयर आई रियली वांट टू कम। शाजी बट कहते हैं, मुनाफिक का सॉन्ग सुनाएं प्लीज़। अच्छा, अरमान योर एक्टिंग, ओ माय गॉड, मैं आपको सुनाऊंगा सॉन्ग भी, आज मैं सुनाऊंगा। मैंने शायद बहुत सारे लोगों को ये पता है या नहीं पता, बट आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर एज अ सिंगर, एंड आई सैंग अ सॉन्ग फॉर किस्मत कनेक्शन, जो कि शायद पूरा विद्या बालन की फिल्म थी। बट फ्रॉम लास्ट 3-4 years मैंने अपने इस गाने को काफ़ी ब्रेक लगाया है, लेकिन मैं इस साल इंशाल्लाह अपना सिंगल ज़रूर रिलीज़ करूँगा। सो मैंने 3 साल से गाना नहीं गाया, लेकिन आज मैं गाऊँगा, बिकॉज़ आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो आई थिंक एटलीस्ट आई कैन डू दिस मच फॉर यू गाइज़।
रशीद रिंद कह रहे हैं, अरमान आपने अच्छा अच्छा नहीं किया उजाला के साथ। यार मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मैंने इंटेंशली या अन इंटेंशली अगर आप लोगों का दिल दुखाया, सो आई एम रियली सॉरी। अरमान इतना बुरा इंसान नहीं था, और अगर कुछ था भी तो वो उसका कैरेक्टर था, लेकिन अल्लाह हिदायत दे अरमान को और अरमान अपनी लाइफ में दोबारा वापस आए और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे। आज हमें ये दुआ करनी चाहिए। अच्छा, नूर सलमान कह रहे हैं, फातिमा भी तो ऑनलाइन चैट आने वाली थी, क्यों नहीं आई? तो फातिमा ने आई थिंक परसों किया, लेकिन फातिमा अगर आप अभी भी आना चाहें ऑनलाइन तो आप आ सकती हैं। यू नो यू कैन सेंड मी रिक्वेस्ट एंड आई कैन एक्चुअली टेक यू ऑनलाइन। बात भी डॉल कह रही हैं, प्लीज़ सिंग मुनाफिक ओएसटी। अच्छा ठीक है। माहिरा क्यूटी कह रही हैं 99 थम्स अप। मेहरुनिसा 977 से हाय, मैं आपकी बिगेस्ट क्रेजी फ़ैन हूँ, प्लीज़ से ओ किंजा हाशमी, ज़बरदस्त। अच्छा, रहीला चौधरी, जियो पे आएगा आपका नेक्स्ट ड्रामा? जी बिल्कुल, जियो पर ही मेरा आ रहा है। मैं ज़्यादा काम अभी आजकल जियो के साथ ही कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बिकॉज आई डू वन सीरियल एट अ टाइम, सो उनकी मेहरबानी है जियो वालों की कि इतना मुझे बिजी भी रखते हैं और इतने अच्छे अच्छे मुझे प्रोजेक्ट्स देते हैं, इतने अच्छे ज़बरदस्त डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। सईदा मासूमा 5653, योर फेवरेट एक्ट्रेस? माई फेवरेट एक्ट्रेस विद हुम आई रियली वांट टू वर्क इज माहिरा खान। अच्छा, अब मैं आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। ये जो प्लीज़ से माई नेम और ये वाली चीज़ें हैं, आप अगर सवाल पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओ माई गॉड, मैं अभी बहुत ही ऊपर वाले सवालों पे था। अच्छा, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? यार नायाब, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसी ज़बरदस्त लड़की मिली नहीं, लेकिन जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं ज़रूर करूँगा शादी। ये एक सुन्नत भी है और आई थिंक हर इंसान को शादी करनी चाहिए। वैसे भी सीरियल में मेरी इतनी शादियाँ करवाते हैं और इतनी डाइवोर्स करवाते हैं कि आप यकीन करें मेरा थोड़ा सा मूड ही ऑफ हो गया शादी से। आपका कौन सा न्यू ड्रामा आएगा? ये सवाल किया है माहिरा क्यूटी 99। मेरा नया ड्रामा है जी उड़ान, जिसके बारे में मैं डिटेल्स बता सकूं। मनाहिल आजम कह रही, वाई योर कैरेक्टर इज बैड इन एवरी ड्रामा? नहीं, आई थिंक कि देखिए कोई भी कैरेक्टर बैड नहीं होता, वो जो हालात होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उसको थोड़ा बुरा बना देते हैं, सो इस वजह से। ओके, लाइबा खान कह रही हैं, आपको उजाला से अट्रैक्शन हुई थी ना? बिल्कुल हुई थी, मैं आई फेल इन लव विद उजाला जब मैं उसको देखता हूँ कि वो नमाज़ पढ़ रही है, मेरा इतना ख्याल रखती है, स्पेशली जब सोबिया आती है मेरी लाइफ में, और तो मुझे, मैं जब दोनों में कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि उजाला बहुत केयरिंग होती है, लेकिन मेरा उससे दिल तब ख़राब होता है जब मैं देखता हूँ कि वो हमज़ा के साथ, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि हमज़ा उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली, मुझे ये लगता था कि शायद उजाला भी थोड़ा उसमें इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से उसका दिल ख़राब हुआ और फिर उसने ये सोचा कि ठीक है फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं भी अरमान, मैं फिर सोफिया के साथ ही रहूँ। राजीन तुबा ने कहा, आपने क्यों अपना क्या सोच के एक्टिंग स्टार्ट की? मैंने एक्चुअली क्या सोच के एक्टिंग स्टार्ट की, बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई लव परफॉर्मिंग आर्ट्स बेसिकली, तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगर बट समवेयर आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। सो मुझे बचपन से, मैं क्योंकि शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखता था और मुझे अल्लाह ने ये एजाज़ भी दिया कि मैंने उनके साथ काम भी किया और बच्चन साहब की, सो इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा वो हो गया इंटरेस्टेड। अच्छा, अमीरा राजपूत कह रही है, योर एटीट्यूड इज अमेजिंग, थैंक यू अमीर। इमन खान कह रहे हैं, आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज़ रिप्लाई मी अदील भाई। ओके, अच्छा, काफिरा राजपूत कह रहे हैं, हमजा उजाला मिल जाएंगे? ये तो अब खुदा ही बेहतर जानता है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चौधरी नायला कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, हम पूरी फैमिली देखते हैं ये ड्रामा, थैंक यू। सईदम, मुनाफिक लोगों को का यही अंजाम होना होता है,
एक्चुअली जो लोग अपने खुदा को नाराज करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, वैसे अंजाम तो उनका बुरा ही होता है। तो ये ड्रामा बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो ही दे हैव टू बी केयरफुल एंड दे नीड टू स्टॉप दिस राइट नाउ। अपने खुदा से तौबा करें, आगे रमज़ान आ रहा है, सो गिड़गड़ा के तौबा करें और अपनी मुनाफ़िकत जो है उसको ख़त्म करें। और मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में मुनाफ़िकत बहुत ज़्यादा भी है। हमारे जो सबसे बड़ा जो नेशनल स्पोर्ट है वो यही है कि अगर हम चार लोग बैठे हुए हैं अभी कमरे में तो द मोमेंट एक आदमी जाएगा तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और ये चीज़ मैंने बाहर के लोगों में बहुत कम देखी। सो वहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलते हैं। यहाँ पर आपके मुंह पर कुछ होंगे और पीछे कुछ होंगे। रायमा माही कह रही हैं आपका घर में और कौन है? मेरे घर में जी मेरी वालदा हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरा भाई है, मेरा नेफ्यू है। बट मैं क्योंकि तीन जगह पर रहता हूँ, आई लिव इन टोरंटो, आई लिव इन कराची एंड आई लिव इन लाहौर। माय फैमिली लिव्स इन लाहौर राइट नाउ। माय फादर इज़ इन इस्लामाबाद, माय मदर इज़ हियर, वन ब्रदर इज़ हियर, मेरा एक भाई यू नो ही इज़ इन खानिया, मेरे दूसरे भाई भी वहाँ पर ही हैं। और मैं अभी आजकल यूजुअली कराची में हूँ बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग देयर सो आई हैव टू बी देयर। Nazia 179 carrying it has been beautifully written but you could change my element of the storyline, what would it be? No, I think it was beautifully written. If I had to change anything, I wouldn't change anything about it. Ji, aapki date of birth? Meri date of birth hai ji 15 June. Acha, main sirf ab questions pad raha hu, naam main thode kam hi padhunga taki hum zyada se zyada sawalon ke jawab de sakein aur jinhone question likha hai to I'm sure unko bhi pata chal jayega ki ये किसने क्वेश्चन किया है। आई एम राज, मायरा राजपूत मुझे दुआ दे रही हैं, मे यू हैव मैनी मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, गॉड रियली ब्लेस यू, मे गॉड सेव यू। अल्लाह करे। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी पूरी कौम, हमारा मुल्क, बल्कि ये पूरी दुनिया जो इस क्राइसिस से गुजर रही है, स्पेशली यू नो दिस पेंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस का एक हमारे ऊपर एक वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें इस चीज़ से बचाए ताकि हम लोग दोबारा अपने कामों पर जा सकें, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। इतनी गुर्बत फैल गई है इस मुल्क के अंदर बिकॉज कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। सो हम सबको आज ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे और जल्दी हमारी इस चीज़ से जान छूटे, और हमें अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। अदील भाई, आपका फेवरेट सीन कौन सा था मुनाफिक का? मेरा फेवरेट सीन वो था जो आज लास्ट एपिसोड में आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ दिया, आपका का नाम भूल गई हूँ, प्लीज़ टेल मी। अच्छा कार्तिका लव, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड जी, आई लाइक इटालियन, आई लव जापानीज़, आई लव थाई, और देसी में भी मुझे कुछ चीज़ें पसंद है, लेकिन मोस्टली मुझे इटालियन खाना बहुत अच्छा लगता है। सोबिया का कोई सीन है आज के एपिसोड में? बिल्कुल होगा, सोबिया इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस सीरियल। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा बिकॉज वी आर ओनली लेफ्ट विद 25 मिनट्स। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अब्दुल्ला साहब का, असद साहब का, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं अब्दुल्ला कादवानी जी और असद कुरैशी साहब, सेवन स्काई के जो मालिक हैं, कि उन्होंने अपना ट्रस्ट मेरे अंदर शो किया है, यू नो दे हैव अ फेथ इन मी एंड दैट्स व्हाई हमेशा दे मुझे वो अपना कोई प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं और अच्छे कॉन्टेंट वाला प्रोजेक्ट मुझे देते हैं। सो थैंक्स टू दैट, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर हैं सलीम गांची, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि बड़े ही मेहनती इंसान हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा बीमार थी, शी वॉज़ क्वाइट सीरियस, बट ही वॉज़ नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड ही यूज़ टू कम ऑन द सेट एवरी डे। सो ये बड़ी बात होती कि आप अपना घर बार छोड़ के, फैमिली को छोड़ कर आप आए, और ख़ुद भी वो बेचारे काफ़ी सेहत स्कीम को काफ़ी इशूज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने सीरियल के अंदर बहुत जान डाली है। अगर सलीम गांची साहब ना होते तो शायद ये सीरियल उस तरह ना बन सकता जिस तरह आज ये बना है, और अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दी है। फिर मैं मैरी जी जो है मेरे साथ, यू नो शी रियली लव्स मी, मेरी बड़ी बहनों की तरह, यू नो शी हैज़
एक्चुअली मुझे इस सेवन स्काई से इंट्रोड्यूस करने वाली भी वही थी एंड सो थैंक यू. बाकी जितने भी लोग हैं, मेरे DOP हैं, मेरे तमाम एक्टर्स हैं, मेन लीड एक्टर्स हैं, मरीना जी हैं, उजाला, हमजा, स्पेशली मरियम और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई बिकॉज हम लोग आपस में इतना ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे को ईज़ अप किया हुआ था कि बड़ा मज़ा आया मुझे काम कर. सो सोबिया, यू नो, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड यू नॉट ओनली यू आर अ गुड एक्ट्रेस, यू आर एन अमेजिंग पर्सन ऑल्सो. फिर मेरे जो स्पॉट बॉय हैं वहाँ पर, रफेल, फिर जैन जो लाइन प्रोड्यूसर हैं, ये सब लोग, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा मेमोरी का इशू है, तो मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज इन लोगों ने मुझे, दे हैव एक्चुअली रियली पैम्पर्ड मी ऑन द सेट्स ऑफ मुनाफिक एंड राइटर, इतना अच्छा लिखने के लिए. सो तमाम लोग जो इस सीरियल से जुड़े हैं उनका बहुत शुक्रिया. और फिर सबसे बढ़कर जियो एंटरटेनमेंट, जो हमेशा से पायनियर रहे हैं एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में. इवन व्हेन वी व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, तो जियो और मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है बिकॉज इवन व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, तो मेरी जो पहली एल्बम थी वो भी जियो के रिकॉर्ड लेबल फायर रिकॉर्ड्स के थ्रू ही रिलीज़ हुई थी. तब मुझे जियो एज एन एक्टर नहीं जानते थे, लेकिन अब मेरा उनके साथ एज एन एक्टर का है और जियो इज़ लाइक अ होम टू मी. एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और आप लोग मेरा इतना ख्याल भी रखते हैं. सो थैंक यू टू जियो टीम एंड गॉड ब्लेस यू. ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट बिहाइंड यू, यस, दिस इज़ एक्चुअली अ फ्रेंड चार्ट, सो थैंक यू. मियाँ अब्दुल्ला कह रहे हैं आपके फादर भी एक्टर हैं. नहीं जी, मेरे फादर एक्टर नहीं है. मेरे फादर जो, मेरी फैमिली में से किसी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है एक्टिंग के साथ. माई फादर इज़ इन द आर्मी एंड आई एम एक्चुअली द फर्स्ट वन फ्रॉम माई फैमिली टू गेट इनटू दिस फील्ड. अच्छा, जिया खान कह रही हैं सलाम अदील. रमशा एजाज कह रही हैं हार्ट बना कर, मुनाफिक का राइटर हैं जी हुमा नफीस जी हैं. अब मैं नीचे वाले क्वेश्चन पर जा रहा हूँ. एस्कार के साथ कौन सी मूवी में आए थे आप? एक्चुअली एस्कार के साथ मैं जीरो फिल्म कर रहा था और उसके लिए मैंने ऑडिशंस किए थे, लेकिन उससे पहले मैंने उनके साथ कमर्शियल्स कर लिए बिकॉज ही वाज काइंड एनफ टू सेलेक्ट मी इन कमर्शियल. सो आई गेट 3 कमर्शियल्स विद हिम और बड़े ज़बरदस्त वो कमर्शियल थे. लॉयड बैप्टिस्ट था उसके डायरेक्टर थे, सो बड़ा ज़बरदस्त था वो उनके साथ जो एक ताल्लुक था, उनके साथ काम करना. एक हर एक्टर की ड्रीम होती है कि आपका जो आइडल होता है जिसको देखकर आप, यू नो, यू हैव ग्रोन अप और आप देखते हैं कि यार मैं इस एक्टर की तरह बनना चाहता हूँ या मैं इसको फॉलो करता हूँ, आप उसके साथ काम करें. सो यू नो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. अल्लाह हैज़ बिन काइंड टू मी. इनोसेंट सर, थैंक यू सो मच. आप हैं इतने अच्छे तो हम सपोर्ट करेंगे ना. थैंक यू. सो बाय द वे, हाउ यू जॉइन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री? मैं जी, मैंने जैसे बताया कि मैं पहले गाना सिंगिंग में आया और मैं, क्योंकि अपने वीडियोस मेरे थे, तो मैंने सबसे पहले फिल्म बॉलीवुड की रिदम फिल्म थी. बल्कि जो वो जो एक्ट्रेस हैं, येस्टरडे आई गॉट टू नो दैट शी हैज़ पास्ड अवे, रिनिल नाम था उनका. सो आई वाज एक्चुअली क्वाइट सैड अबाउट इट आल्सो. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. फिर मैं जब यहाँ पर आया, सो देन यू नो आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स. लेकिन अगर आप सीरियसली एक्टिंग को कहें कि मैंने कब लिया, तो वो शायद पिछले साल से है. और मैंने एक्टिंग जो है भरोसा प्यार तेरा से अपना थोड़ा इसको करियर बनाया था. आई वॉन्ट टू डू दिस. उससे पहले मैं हिद्दत कर चुका था. थोड़ा सा मैं AC की आवाज़ शायद आपको ज़्यादा कर रही, तो आई एम जस्ट गोना स्विच ऑफ. जी, सो आई एम बैक. OST सुना दे मुनाफिक. अच्छा जी, मुनाफिक का OST सुना देते हैं. इट्स बीन 4 years के मैंने एक्चुअली गाना छोड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना है कि मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुना देता हूं. गिटार को ट्यून कर लूँ जरा मैं. Okay.
गाना तमाम मेरे फैंस के लिए है, और साहिर अली बका ने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है, लेकिन मेरे फैंस के लिए है जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इस सीरियल में, और आप सबके लिए, और उजाला आपके लिए भी, कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाएं और कहीं दूसरी जगह जाकर शादी ना करें, तो ये आपके लिए भी है ताकि आपको समझ आए कि अरमान आपसे प्यार करता था। जो था मेरा मुझसे जुदा हुआ, ए मेरे खुदा ये क्या हुआ, मेरे प्यार को यूं भुला दिया, ए मेरे खुदा ये मेरी वफाओं का सिला क्यों बेवफाई है मिला, तेरी खुदाई में खुदा मेरा था जो वो था खुदा, मन रो थैंक यू बहुत शुक्रिया। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, और आप देखें क्योंकि मैं गिटार मुझे 3 साल हो गए बजाए हुए, सो एक्चुअली थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था आज गिटार प्ले करना, बट सिद्रा कह रही है अमेजिंग वॉइस, थैंक यू। फैमी कह रही है विल मिस मुनाफिक कास्ट, ऑफकोर्स आई विल मिस द कास्ट टू, और उसके अलावा तलहा शाहीन थैंक यू, हाजरा माशाल्लाह, सादिया बिलाल कह रही हैं ब्रिलियंट वॉइस थैंक यू, इंसा वाओ, आई डिडंट नो दैट कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा ये गाना, अदील चौधरी फैन गर्ल ने बहुत ज़्यादा क्लैप करके भेजा है, सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं। आयशा मुगल, यस मुनाफिक ड्रामा इज़ गोइंग टू बी मिस्ड, एक्चुअली मैं खुद बहुत ज़्यादा हुक्ड अप था मुनाफिक ड्रामा को लेकर, और यू नो आई रियली आई विश के इसके बाद आने वाला ड्रामा भी अल्लाह उसको इतनी ही इज्जत दे। अच्छा, योर वॉइस इज़ सो अमेजिंग, आपका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत ज़बरदस्त था, मैं आपको क्या बताऊँ, मुनाफिक के साथ मेरा फेवरेट प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर वॉज अमेजिंग, सो मेरा प्रोडक्शन मेरा बहुत अच्छा था, नाइस वॉइस, ओके थैंक यू। इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया मुनाफिक का ड्रामा, आई थिंक 60 एपिसोड्स हो गई हैं, काफ़ी। आपकी एजुकेशन कितनी है जी? मैं डेंटिस्ट हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। अदी उसामा चौधरी कह रहे हैं अदील वी आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, थैंक यू उसामा, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल दोज लवली वीडियोज फॉर मी। मुनाफिक सॉन्ग सुनाओ प्लीज़ अरमान भाई, अभी तो मैंने आपको सुनाया मुनाफिक सॉन्ग, तो मुनाफिक सीजन 2 होना चाहिए, मुनाफिक सीजन 2 आज लास्ट एपिसोड के बाद पता चलेगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तूबा कह रही है योर वॉइस इज़ ब्रिलियंट, अरमान उजाला सोबिया एंड हमजा गुड, बिल्कुल जी, हम सारे जो 4-5 कैरेक्टर से बहुत अच्छा काम किया था। मैं यहाँ पे मरीना खान जी की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, हमने बचपन में उनके सीरियल्स देखे थे, और मेरे लिए बड़ा ही एक एजाज़ की बात थी दैट आई वर्कड विद हर एंड शी प्लेड माई मदर, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एंड नॉट ओनली शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और आई विश कि मैं उनके साथ दोबारा भी काम करूं। आयशा मोगल कह रही है व्हेन विल यू कम बैक, बिल्कुल जी आई विल बी बैक ऑन जियो स्क्रीन वेरी सून, और बहुत जल्द मैं आऊँगा, और इंशाल्लाह मैं जो हूँ जो मेरा अगला सीरियल है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पर भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फरजाना खुरम कह रही है अमेजिंग सुपर डुपर ड्रामा, ईशा कह रही है हाई स्वीट टू, ओके हाई स्वीट टू,
आप शादी कब कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि शादी, मैं जब भी मुझे कोई लगा कि आप शादी करनी चाहिए और वो लड़की जिसको मैं इतना सा था तब से तलाश कर रहा हूँ, जिस दिन वो मिली मैं शादी कर लूँगा। टीम अदील कह रही है हमारा नेम भी लें। ओके अदील चौधरी फैन गर्ल, अदील आप हमारे घर आए ना, इंशाल्लाह जी ज़रूर आएंगे। फिज़ा कह रही है आई लव योर एक्टिंग। अदील चौधरी फैन पेज कह रहे हैं अदील क्लिनिक, क्लिनिक के बारे में। अच्छा जी, मैं आपको अपने क्लिनिक के बारे में बताऊँ। माई क्लिनिक इज़ इन डिफेंस फेस वाइव लाहौर। वी हैव अ स्किन क्लिनिक, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू स्किन यू कैन ऑलवेज कम देयर। माई ब्रदर रन्स दैट स्किन ओएसिस के नाम से, यू कैन ऑलवेज बी देयर। अनिका ऑफिशियल कह रहे हैं कब कर रहे हैं शादी, आई विल कम टू द बेड। बिल्कुल अनिका, आप वार्डरोब आप ही करेंगी तो आपको आना पड़ेगा शादी पर। मेरी नेम लेना मेरा। अच्छा जी, योर वॉइस इज अमेजिंग, थैंक यू जी। माहिम, कौन सा न्यू ड्रामा बन रहा है? जी मेरा नया ड्रामा आ रहा है जियो की स्क्रीन के ऊपर, जिसका नाम है उड़ान। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ख़त्म करने जा रहे हैं सीरियल को, जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा। सो वील गेट बैक टू अर शूट एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। शायद, अच्छा हेलो टीम अदील, मेरे से शादी कर लें? अच्छा जी कर लेते हैं बिल्कुल। अनिका फिर कह रही है आप इतने हैंडसम कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है, बस कभी गरूर नहीं किया। अरूज कह रही है लुकिंग वेरी नाइस। से अबाउट योर रिलेशन विद बिलाल, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हमजा, माय रिलेशन वाज एक्सीलेंट। जैसे एक मर्द का मर्द से होना चाहिए और जैसे एक को एक्टर का एक्टर के साथ होना चाहिए, वैसा रिलेशन था। योर को स्टार इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट? माई को स्टार इज किंजा हाशमी। मदिया भी आपके साथ लाइव आने वाली थी। योर वॉइस इज ऑसम, प्लीज से माई नेम, वेयर आर यू राइट नाउ? मैं जी अपने कमरे में हूँ, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ। मेरा एक कमरे का छोटा सा इकला हूँ जो मैं वहाँ पर बैठा हूँ। और यू आर वेरी हैंडसम, आई लव योर वॉइस, थैंक यू। व्हाट इज़ योर हॉबी? जी मेरी हॉबी है हॉर्स राइडिंग है मेरी हॉबी, प्लस मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और इन सब से भी बढ़कर मेरी जो हॉबी है वो है क्या कहते हैं इसको, ट्रैवलिंग। अली हसन कह रहे हैं जियो टीवी पर कब आ रहे हैं? जियो टीवी पर मैं आज शाम 7 बजे आ रहा हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे तो सीरियल को देखते ही हैं, लेकिन ये क्योंकि लास्ट एपिसोड है आज का, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आज अपनी स्क्रीन्स पर देखें। यू नो इट वुड बी अमेजिंग अगर आप लोग ये पूरा, मैं चाहता हूँ कि आज की TRP जो है वो रैकेट ब्रेकिंग हो, और क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है। What about your drama Bharosa Pyar Tera? I've talked about it before also. One of my favorite and bada zabardast sab actors ne kaam kiya hai. Aur main samajhta hu ki jab maine acting ko serious liya aur maine jab se kaam karna start kiya properly, to Bharosa Pyar Tera played an important role. Apna kamra dikhayein please, aapko kamra zarur dikhayenge jab main inshallah phir kabhi live aaunga apne page se, to main aapko zarur dikhaunga kamra. Aap मैं तो टीवी पर देखती हूँ, गुड। मदिया कह रही हैं कोमल अजीज के साथ ड्रामा कोई करें प्लीज़। कोमल अजीज के साथ इंशाल्लाह जल्द करेंगे ड्रामा, अभी तो आई थिंक वो एक सीरियल में बिजी हैं, आप लोग देख रहे होंगे अभी ऑन एयर हुआ होगा। सो कोमल के साथ करेंगे ड्रामा, क्यों नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बड़ा मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। उजाला की शादी हमजा से होगी क्वेश्चन है, या मुझे क्या पता, आप मेरे मुँह से। अब मैं तो क्योंकि उनके पास हूँ जो मेरे अगवाकार हैं, तो मुझे क्या पता कि पीछे से मेरी जो उजाला है वो क्या करेंगी मेरे साथ। अपने कॉल, अपना सेल दिखाएं, अपना सेल दिखाऊं, मैं भी अपने सेल से ऑनलाइन हूँ, सो मैं कैसे दिखा सकूँ। हाउ आर यू इन स्टडीज? यू आर कैमोलियन? यस यस यस, आई एम फ्रॉम किंग एडवर्ड। Actually, I went to DeMont, so for the 2 years, we have to go to the King Edward, and I was really good at studies. Sapniyan meri aa jati thi. I've never missed episode of Munafiq. Oh, thank you. Agar Ujala aur Hamza ki shaadi hogi, to aap udaan rok liyega, please. Unhe rok lijiyega. Koshish to main karunga ki main unhe roku. Nice acting. You have an attractive personality. Thank you, Farzana. Thank you so much. Kaisa kaisa sawal, kasam se.
अगर ये ड्रामा 8 बजे के स्लॉट में आता तो बहुत पीक पर जाता आई थिंक. बिल्कुल. लेकिन ये चॉइस होती है, ये प्रोड्यूसर्स की होती है, टीवी चैनल्स वालों की होती है. हम तो हर ड्रामे में, मैं समझता हूँ कि कोई स्लॉट 7, 8, 9, ये सारे स्लॉट जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं. अगर आपका सीरियल अच्छा है तो स्लॉट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी यू नो यू विल फ्लाई हाई. सो मुझे स्लॉट से फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा पिछला सीरियल भी 9 बजे के स्लॉट पे था, ये वाला भी 7 पे था, और जब इन्होंने 8 पे भी डाला, जो हमारा सीरियल जब 8 पे भी आया, सो इट टच्ड 20 रेटिंग ऑफ 23. इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सीरियल टीआरपी के लिहाज से. सो स्लॉट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम में ध्यान देता हूँ. काम से भी ज़्यादा मैं कॉन्टेंट पर ध्यान देता हूँ, और फिर मैं उसमें आई गिव माई 100%. सो बट अल्लाह हैज़ बिन काइंड टू मी. आप कभी सियालकोट आए ना, मैं इंशाल्लाह जी ज़रूर आऊँगा सियालकोट, बिकॉज सियालकोट इज़ वेरी नियर टू माई होम लैंड विच इज़ खारियाँ. सो मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, कभी कोई कॉन्सर्ट करने आऊँगा, बिकॉज आई बी गेटिंग बैक टू माई सिंग. डू यू नो BTS या बिहाइंड द सीन फेवरेट एक्टर तूबा को स्टार पूछ रही है. मेरी फेवरेट को स्टार, जितने भी को स्टार्स हैं, फॉर्चुनेटली जी, दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी, दे हैव बीन वेरी काइंड टू मी. सो अल्लाह ताला इसी तरह मुझे आगे भी इस इंडस्ट्री में लेकर चले. आप सब फैंस के लिए मैं एक और गाना, एक दो लाइनें मैं गाता हूँ, ताकि आप लोग जो हैं, बिकॉज आप लोग इतना प्यार करते हैं, और आज मैंने गिटार पकड़ा ही तो. दो लाइनें हैं, और ये सब अरमान के चाहने वालों के लिए. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जाने रुबान. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा सामने तू बैठा रवे, हर वेले में तकदीरावा. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जी मेरे अब जाने का वक्त हो गया है. सो थैंक यू सो मच. मैं एक दफ़ा दोबारा आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया. आई रियली लव यू. आप लोग हैं तो मैं हूँ. यकीन करें, अगर आप लोग ना होते तो इस वक्त मैं शायद अपने क्लिनिक में बैठा होता, या मैं फ्लाइंग कर रहा होता, या मैं कोई और काम कर रहा होता, या फिर मैं सेवन स्काई में काम कर रहा होता, कॉन्टेंट देख रहा होता साथ उधर सीरियल्स उनके. लेकिन आप लोग हैं तो मुझे इतना प्यार आप लोग देते हैं, और इतना आप लोग जो है इतनी पज़ीराई देते हैं.
Thank you so much. I really love you. Please keep supporting my serials. Please keep supporting Jio. बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए content लेके आ रहे हैं. और बहुत शुक्रिया. Once again, I want to thank all my co-actors जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया. अगर मैंने मुझसे कोई ज़्यादती या कोई कोताही हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है. और मैं अपने डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया. जो पूरी टीम थी प्रोडक्शन की, DOP से लेके स्पॉट बॉय, इवन जो वहाँ पर सफाई करने वाले हैं, जो मेरे कपड़े इस्त्री करते थे वहाँ पर, सबका बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने मुझे इतना वहाँ पर बर्दाश्त किया. फिर मैं सेवन स्काई वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो यू हु ऑलवेज थिंक ऑफ मी. मैरी जी आपका, कि आप लोग हमेशा मेरे लिए अच्छे स्क्रिप्ट देखती हैं. सो थैंक यू एवरीबडी, यू हैव बीन अमेजिंग. एंड प्लीज़ आप लोगों से एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप आज का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई एम गोना गो एंड वॉच इट टुडे. एंड बहुत शुक्रिया आपका. एंड इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द जियो की स्क्रीन पर ही दोबारा मुलाकात होगी. एंड इंशाल्लाह आपको अगला सीरियल भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन अरमान की जर्नी यहाँ पर ही ख़त्म होती है. अरमान का कैरेक्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है. और आप लोगों ने उसे इतनी नफ़रत भी दी, इतना प्यार भी दिया. मैं चाहता हूँ कि आज के एपिसोड में अरमान बच जाए, किसी तरह अपने जो एबडक्टर्स हैं, अगवाकार हैं, उनसे निकल के आ जाए, ताकि दोबारा अपनी माँ के पास चला जाए, दोबारा उजाला के पास चला जाए. लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए आपको आज 7 बजे ट्यून इन करना पड़ेगा Jio TV. एंड इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल.